अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप कॉन्ट्रैक्ट के तो हम लास्ट स्टेजेस पर पहुंच गए हैं कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुए थे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स क्या हैं किसने परफॉर्मेंस करने हैं ऑब्लिगेशन एंड द राइट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज ये सब चीज़ें आपने देखी और ये भी देखा कि कितने सिस्टमेटिक वे में ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर राइट्स एंड ऑब्लिगे ऑफ डिफरेंट पार्टीज अब उनकी माइन्यूट डिटेल्स सामने रखी जाती है जब ये स्टैचूस ये लॉ बन रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के असेंशल क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ने परफॉर्म करना है रेस्पेक्टिव पार्टीज के क्या राइट्स हैं क्या ऑब्लीगेशन हैं क्या ड्यूटीज हैं अब हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो रही दैट हैज़ नॉट बिन परफॉर्म्ड बाई वन पार्ट अब परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती कि परफॉर्मेंस एक ने नहीं, नहीं की या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या उस पर अमल नहीं हो सकता बात असल में देखने की यह है कि अगर वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म वाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दैट, तो दूसरी पार्टी को उसके राइट्स के हवाले से क्या गारंटीज हैं लॉ से क्या गारंटीज प्रोवाइड करता है उसे क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता तो हमने पहली बात देखी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ब्रिज ब्रिज से मुराद ये है कि आप अपने ड्यूटीज विच यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो आप पूरी नहीं कर रहे दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब एक ब्रिज होती है तो उसका असर क्या होता है कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कॉन्सिक्वेंस उसके ये हैं कि अदर पार्टी ड्यू टू दैट ब्रीज दे में सफर आर समेमेज में बी दैट कर बाई वन वे आर दैल और परचेज की बात हो या कोई मूवेबल एसेट्स की परचेज हो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं एग्रीमेंट्स की तो दूसरी पार्टी को उससे कोई ना कोई डैमेज होगा जिसकी कम्पनसेशन ज़रूरी अब ये डैमेज ये कम्पनसेशन ये किस से इसका ताल्लुक होना चाहिए लॉस में ये कहता है कि दी अदर पार्टी अदर पार्टी से वो है कि एक ने ब्रीच की तो हम दूसरी पार्टी को कह रहे हैं अदर पार्टी आर द काउंटर पार्टी जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं उसको इंजर्ड पार्टी भी कहा जाता है तब इंजर्ड पार्टी को लॉ में क्या रिलीफ मिल सकता है उसके लिए कौन से एवेन्यूज हैं कौन सी रेमेडीज तो कंपनसेशन डैमेज दो कैन बी क्लेम्ड बाय द इंजर्ड पार्टी लेकिन यहाँ पर यह बात की गई कि इन कम्पनसेशन इन डैमेज का ताल्लुक उस एग्रीमेंट से होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से होना चाहिए दैट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट ये नहीं है कोई ब्रीच कोई रिमोट कॉजिस हैं उनके बेसिस पर आप कहते हैं ब्रीच हुई और उसके आप डैमेज क्लेम करना शुरू कर दें लॉ में ऐसी बात नहीं लॉ में ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि ब्रीच हुई एंड ब्रीच ऑफ द दैट वेरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसकी ब्रीच हुई है उसका नेक्सिस उसी के साथ है उस ब्रीच का देन अदर पार्टी मे अवेल डैमेज इज अंडर लॉ अब इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा वेदर यू क्वालिफाई फॉर डैमेज आर कंपनसेशन आर नॉट येदा बात है The party will have to prove कि ये ब्रीच हुई इससे डैमेज हुए और ये तमाम चीज़ें जब साबित हो जाएंगी then court of law can award any relief to that पार्टी आपने देखा कि अगर कहीं ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की तो लॉ में उसके लिए कुछ रेमेडीज अवेलेबल आपने पढ़ा कि सूट फॉर डैमेज एक तरीका कार है सूट फॉर कम्पन्शन किस सूरत में पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटल टू कम्पन्न उसके अलावा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसका क्या मुराद है इससे पहले आप ये देख लीजिए ब्रीचेज़ कि आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं कौन कौन से तरीके हैं सूट फॉर डैमेजेस सूट फॉर कंपनसेशन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ इसके लिए सूट फाइल की जा सकती है अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन क्या है इससे पहले लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू सूट फॉर डैमेज अब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो डैमेज का कॉन्सेप्ट क्या है एग्रीड पार्टी को इंजर्ड पार्टी को उसी जगह पर लाया जाए कि अगर वो ब्रीच ना होती तो दैट शुड स्टैंड ऑन दैट वेरी प्लेस ये सोचा जाता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता तो उससे उसकी पोजीशन क्या होती पोजीशन से मुराद कि एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से आपको कोई बेनिफिट होता है प्रॉफिट्स होते हैं एंड ड्यू टू द ब्रीच यू लूज दो ये भी आपका एक लॉस उसके आपको कंपनसेशन होनी चाहिए इसी तरह आप ब्रीच हुई कॉन्ट्रैक्ट की उसकी वजह से आपके कोई एक्सपेंसिस हुए कोई डैमेजेस हुए तमाम जो है दैट शुड बी कंपनसेट डेमेजेज में दो कॉन्सेप्ट हैं एक को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरे को कहते हैं नॉमिनल लिक्विडेटेड डैमेजेस दो सूरतों में हो सकते हैं एक तो आपने पहले से डिटरमिन किया, किया हुआ है एसरटेन किया हुआ है एग्रीमेंट में मौजूद है कि अगर ब्रीच होगी तो दिस सम ऑफ मनी विल बी पेड बाय इधर पार्ट केस ऑफ ब्रीच सो दैट अमाउंट कैन बी रिकवर लेकिन अगर ये मेंशन नहीं भी किया हुआ और ब्रिज की वजह से कोई डैमेज होता है तो रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट इज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ सो स्टूडेंट्स लिक्विड डैमेज की बात हुई एक तो लिक्विड डैमेज वो डैमेजेस हैं जो पहले से तय है दूसरे लिक्विड डैमेजेस जो रीज़नेबल एंड फेयर एस्टिमेशन बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ क्या दिस इज़ द डैमेज फॉर विच कम्पन्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू दग्रीड पार्ट, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं लिक्विडिटी डैमेज के कोर्ट एसरटेन करती है कि अंडर द सर्कमस्टांसिस कितना डैमेज इस पार्टी को हुआ है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता तो उसको कितना बेनिफिट होता तो देट इज़ द कॉन्सेप्ट अंडर विच द डैमेजिज आर एसरटेनड एंड दोज आर मोनिट्री अवॉर्ड्स आर गिवन इन द फेवर ऑफ एग्री पार्ट प्रोवाइडेड दैट इज प्रूव दैट वे अब दूसरी बात हमने की डैमेज में एक नामिनल डेमेज का कॉन्सेप्ट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नामिनल डैमेज आपको बताया था कि नॉमिनल डेमेज वो डैमेज है जिसका ऐसा सच उस ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता डायरेक्ट नैक्स नहीं है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं आपको डैमेज कॉस्ट पे करना पड़ी या आपने प्रॉफिट लूज किया ये विजिबल अमाउंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी जो आप कह सकते हैं दीज आर द दैक्यूनरी एस्टिमेट्स फाइनेंशियल एस्टिमेट्स हैं फाइनेंशियल लॉसेस हैं फाइनेंशियल गेंस हैं उनकी बात हो रही बट देर मे बी अदर गेंस एंड लॉसेस जिनको हम नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड अदर पार्टी फेल्स टू परफॉर्म दैट एंड इन ल्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट यू हैव मेड सो मैनी एग्रीमेंट्स विद द अदर पार्टीज, एंड बाय द ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू फिलफिल योर कमिटमेंट्स विद द अदर पार्टीज तो रिजल्ट क्या होगा आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन इन द मार्केट दैट विल बी इंजर्ड अब ये गुडविल और रेपुटेशन जो इंजर हो रही है इसके डैमेज भी कोर्ट ऑफ लॉ कैन अवॉर्ड तो ऐसे डैमेज जो डायरेक्ट पैक्यूनरी नेचर के नहीं होते इनको हम नॉमिनल डैमेज कहते तो ये डैमेज की बात हुई दीज आर ऑफ टू टाइप लिक्विडेटेड डैमेज एंड नॉमिनल डैमेजेस उसके बाद सूट फॉर कम्पन्सेशन वो इसी से मिलती जुलती बात लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये बताया गया है सेक्शन 75 कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी ब्रीच की तो दूसरी पार्टी का ये राइट right है कि वो उसको कैंसिल कर दे अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी अगर राइट उसने कैंसिल किया है वाकई ब्रीच हुई तो सिर्फ ये बात नहीं है कि उसको वो कैंसिल कर सकते हैं वहाँ पर उसके पास एक और राइट आ गया वो राइट क्या है कि दैट पार्टी कैन क्लेम द कंपनसेशन ओइंग टू तो दैंसलेन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दी थी उसी को हम रिपीट कर लेते हैं आपको याद होगा आई हैड स्पोकन अबाउट ए हॉकी प्लेयर एक हॉकी प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी क्लब के साथ अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में उस प्लेयर ने उस हॉकी क्लब के साथ एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई शिल प्ले फॉर यू उसके बाद उस प्लेयर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं की से इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वन ईयर और उन्होंने ही ज्वाइन दैट क्लब चार मैचेस खेले उसके बाद वो एबसेंट होगी अभी और दस मैचेस से उसने खेलने थे अब वो उस मैच में नहीं खेला फॉर विलफुली ही वॉज एबसेंट विद नो कॉज जस्टिफिकेशन के बगैर ही रिफ्यूज टू प्ले और ही डिडेंट तो यहां पर क्या हुआ कि राइट फुल रिसेंडिंग की बात कर रहा हूँ कि राइट फुल कैंसिलेशन अब हॉकी क्लब के पास ये राइट आ गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते इस राइट को एक्सरसाइज करे या ना करे ये राइट हॉकी क्लब का अगर हॉकी क्लब उसके एबसेंट को इग्नोर करना चाहती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल कॉन्टिन्यू लेकिन उसने ये चॉइस ये स्टेप लिया कि उसको कैंसिल कर दे अब बात यहाँ नहीं ख़त्म हो गई कि रिसेंट कर दिया कैंसिल कर दिया उस प्लेयर को खेलने की इजाज़त नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बात यह है कि वो हॉकी क्लब जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस प्लेयर से दैट हॉकी क्लब विल हैव टू तो अरेंज एन अदर प्लेयर अब उससे एग्रीमेंट करना पड़ेगा अब उसमें उसकी इनकनवीनियंस भी हो सकती है पेन भी हो सकता है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं दोबारा वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा टू तो सिलेक्ट अ प्लेयर इसके अलावा यह हो सकता है कि दूसरे प्लेयर को उन्हें ज़्यादा पैकेज पे लाना पड़े उनकी प्राइस बढ़ जाए उनकी पेमेंट बढ़ जाए तो ये डैमेज के डिफरेंट मयर्स हो सकते हैं पैरामीटर्स हो सकते हैं ग्राउंड हो सकते तो अब ये देखा जाएगा कि इस पार्टी को ये नहीं कि कैंसिल कर दिया वो तो वो कर चुके उसके बाद जो उन्हें डैमेज हुए ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस बाई द अदर पार्टी और द ब्रीच बाई द अदर पार्टी तो उसके लिए वो उस प्लेयर के अगेंस्ट सूट फॉर कंपनसेशन भी फाइल कर सकते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जो हमने राइटफुली कैंसिल किया उसकी वजह से इतना लॉस हुआ है इतने डैमेज हुए हैं वी शुड बी कंपेंसेटेड बाई द प्लेयर तो उस प्लेयर के अगेंस्ट सूट फॉर कंपनसेशन भी फाइल हो सकती तो ये दो सूरतें थी तीसरी जो बात रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज़ दूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में कोई अवार्ड नहीं दिया जाता बाज़ ऐसे इवेंट्स होते हैं ऐसे सरकमस्टांस होते हैं ऐसे एक्ट्स होते हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि अगर परफॉर्म ना की जाए मॉनेटरी तो अवार्ड शायद उसकी कंपेंसेशन ना कर सके फॉर इंस्टेंस यू हैव बिजनेस प्लेस आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस की यू आर इम्पोर्टिंग न्यू मशीनरी तो एक्सटेंशन के लिए आपने साथ में एक कोई प्रॉपर्टी दैट यू हैव परचेज यू हैव एंटर्ड इनटू एन विद द अदर पार्टी पोजेशन अभी आपको नहीं मिली सेल डीड साइन हो गई एग्जीक्यूट नहीं हुए द अदर पार्टी रिफ्यूज टू कैरी ऑन विद द एग्रीमेंट और से देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच की अब यहाँ पर डैमेज या कंपनसेशन वो आपके दें जी इतने का एग्रीमेंट था इतना आपका लॉस हुआ है इतने पैसे आप ले लीजिए लेकिन आप देखिए यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वेरी पीस ऑफ लैंड आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वेरी लैंड नॉट अदर लैंड ऑफ द सेम प्राइस अब वहां तो एक्सटेंशन करनी है मशीनरी आपने इम्पोर्ट की हुई है वो सब वहां पर इसके अलावा आपको एक नई जगह पे नया इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करनी पड़ेगी तो बास सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दूसरी पार्टी को कंपेल करेंगे कि नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में क्या आप सूट फाइल करते हैं कि इस पार्टी को मजबूर किया जाए कि ये पीस ऑफ लैंड ये हमें सेल की जाए दैट शुड बी कंपेल और ही शुड फुलफिल हिज़ कमिटमेंट और ही शुड परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा दिस इज़ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर कि आप ये पीस ऑफ लैंड इनको बेच दें ये परफॉर्मेंस होगी स्पेसिफिक ऑफ दैट वेरी लैंड इसी तरह आपने किसी पेंटिंग का ऑर्डर दिया है यू आर इन वेरी मच इम्प्रेस बाय दैट पेंटर अब वो पेंटर बीमार हो जाता है वो कहते हैं जी भाई पे आपको पेंटिंग चाहिए मैं किसी और से बनवा देता हूँ आप लेकिन आप तो उसी की पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं व्हाट यू हैव टू डू यू विल आस्क हिम यू विल प्रेस हिम एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इफ़ यू फेल्स और ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की तो आपके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है यू कैन फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में दैट पार्टी विल बी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू परफॉर्म एज पर एग्रीमेंट और वो पेंटिंग जो आपसे प्रॉमिस किया है वो पेंटिंग वो खुद बनाकर आपको हैंड ओवर कर तो सच रेमेडीज आर अवेलेबल इन लॉ तो इसको हम कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सो सूट स्लाइड पर देखिएगा सम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यही जो बातें की हैं ये आपके सामने हैं वो दिस लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है वेयर मोनिट्री कम्पेंशेसन मे नॉट प्रोवाइड एडिकुएट रिलीफ टू दीव पार्ट अब ये वही बात है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि मोनिट्री बेनिफिट भी दिया जा सकता है कि जी ये रिच हो गई ये आपको कम्पनसेशन दे देते दे। लेकिन जो आपने देखा कि आपने मशीनरी इम्पोर्ट की यू हैव ऑलरेडी बिजनेस प्लेस और उसके साथ आपने जगह ली है आप उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो मोनिट्री अवार्ड शायद वो आपके लिए काबिल कबूल ना हो सो यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी बात की डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल डैमेज इज डिफिक्ट अब एक्चुअल डैमेज की एस्टिमेशन में प्रॉब्लम हो अब ये बात है कि आपने का घर है उसके साथ आप जगह लेना चाहते अब आपके लिए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस यू आर लिविंग ओवर दे अब आप कहते हैं कि देखें जी ये तो मेरे तो ड्रीम्स थे आई शुड हैव दैट प्लेस अब इन ड्रीम्स को नापना इनके मजरमेंट करना मॉनेटरी टर्म्स में इनका हिसाब लगाना दिस एस्टिमेशन विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कोर्ट ऑफ लॉ और आपके लिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्चुअल डैमेज जो आपको हुआ वो दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम मेंटल पेन इंजरी सम इनकनवीनियंस कोई भी उसकी सूरत हो सकती तो वहाँ पर इंजरी टू द रेपूटेशन ऑफ ए परसन डिफेमेशन ये और सूरतें हो सकती हैं इसमें बहुत सारी तो इनको मैर करना बड़ा मुश्किल काम है तो यहाँ पर आप यू कैन सी दैट यू विल आस्क फार्पेसिफिक परफॉर्म वो जो 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 मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एक्सटेंशन ऑफ देट देट वुड बी वेरी प्रैक्टिकल वन एंड दैट विल भी ईजी टू कंप्रीह नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन दर्सनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अब वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पर्सनल स्किल्स की बात आपने हॉकी प्लेयर को एंगेज किया ये अब उसकी पर्सनल स्किल्स हैं वो ये नहीं कहता कि अच्छा जी एक बहुत अच्छा प्लेयर है मैं अपनी जगह उसको भेज देता यू आर इम्प्रेस बाई दैट पर्सन एंड यू वॉन्ट हिम टू प्ले इन यूर क्लब ये अग्रीमेंट आपका उससे है एग्रीमेंट आपका पेंटर से हुआ है उसकी स्किल्स से हुआ है आप यू आर इम्प्रेस बाई स्किल्स आप वो इसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि एक और बहुत स्किलफुल पर्सन है मैं उससे ये काम आपको करवा देता तो ऐसे सूरते हो तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट किया जाएगा और ये एक तरीका कार है इस सूट कैन बी फाइल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इसके बाद वैन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज माइनर तो ये डिफरेंट सिचुएशन हैं जिनमें स्टूडेंट्स यू कैन इंसिस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इस तरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक रेमेडी दैट इज अवेलेबल इन लॉ एंड यू कैन गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिड्रेसल ऑफ़ योर ग्रीवेंस तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा था कि हमारे पास एक और रेमेडी लॉ में अवेलेबल वी हैव सीन द फोर रेमेडीज लास्ट वन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वॉट वॉज दैट दैट वॉज दूट फॉर इंजंक्शन इंजंक्शन जो है ये एक प्रोहिबिटिव ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कहा जा रहा है कि यू परफॉर्मस इन स्पेसिफिक वे यहां पर रोका जा रहा है यहां पर प्रोहिबिट किया जा रहा है अदर पार्टी को कि आप ऐसा काम नहीं कर ये रेस्ट्रेन किया जा रहा है तो सूट फॉर इंजंक्शन में क्या है कि आप कहते हैं इस पार्टी को इस काम से रोकें इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेनिंग ए पर्सन फ्रॉम एन एक्ट ये इंजंक्शन है इसकी आपने सूट फाइल की हमने वो एग्जाम्पल्स ली प्लेट्स की क्योंकि तो आप सब लोग खेलों में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता अब ये एक हिलस्टेशन देख लीजिए इससे आपको इंजंक्शन की कुछ समझ आएगी मिस्टर उमर एन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ हॉकी एंटर्ज इन टू अंट्रैक्ट विद मैसेज ए बी सी हॉकी क्लब टू प्ले फॉर वन ईयर विद द स्टिपलेन स्टिपुलेशन मीन्स कंडीशन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही विल नॉट प्ले फॉर एनी अदर क्लब अब ये उनका एग्रीमेंट हुआ है इस एग्रीमेंट में ये बात तय हुई है कि आपके साथ एक साल के लिए मैं खेलूंगा बाकी उसके पैकेज वट विल बी पेड ये अलहदा बातें और साथ में यह कंडीशन लगाई गई है क्लब की तरफ से कि इस एक साल में आप किसी और क्लब की तरफ से नहीं खेलेंगे हर मिस्टर उमर एंट्रेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मैस एक्स वाई जी क्लब मैसेस ए बी सी हॉकी क्लब हैज राइट टू फाइल ए सूट फॉर इंजंक्शन एंड कोर्ट कैन द ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग मिस्टर उमर टू प्ले फॉर मैसेज एक्स वाई जी हॉकी क्लब अभी आपको इन जंक्शन की समझ आ गई होगी यहाँ पर रोका जा रहा है यहाँ पर रेस्ट्रेन किया जा रहा है कि आपका एग्रीमेंट हुआ किसी हॉकी क्लब के साथ कि हम आपके साथ एक साल के लिए खेलेंगे ये पैकेज यू हैव एंटर्ड इन टू दैट एग्रीमेंट लेकिन क्लब की तरफ से जो एक कंडीशन थी एक स्टिकुलेशन थी वो ये थी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल नॉट प्ले विध एनी अदर क्लब लेकिन इसके बावजूद यू एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद एन अदर क्लब आल्सो आप जिस पहली क्लब से आपने एग्रीमेंट किया है उसके पास ये राइट रेमेडी अवेलेबल कि वो अगर चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है और कोर्ट ऑफ लॉ में ये रिक्वेस्ट की जा सकती है ये प्रेयर की जा सकती है कि इस प्लेयर को इस क्लब के साथ खेलने से रोका जाए इंजंक्शन ऑर्डर शुड बी पास्ड कोर्ट ने कैसे कोर्ट विल पास एन ऑर्डर दैट दिस प्लेयर कैन नॉट प्ले विद विद दैट वेरी क्लब अगर ये तमाम आपका एग्रीमेंट इस बात को प्रूव कर सकता है तो देन कोर्ट विल ईशू सच ऑर्डर तो अगर ऐसा ऑर्डर कोई कोर्ट जारी करती है तो उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन और आपने जो केस फाइल किया उसको आप कहेंगे सूट फॉर इंजंक्शन सो दीज आर रेमेडीज विच आर अवेलेबल इन लॉ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो यू कैन रिवर टू वन ऑफ दिज रेमेडीज दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्क टांसेस ऑफ द केस एंड द नेचर ऑफ द एगरीमेंट दैट विच रेमेडी यू वुड प्रेफर सो ये कुछ रेमिडीज हैं अगर एग्रीमेंट की ब्रीच होती सो स्टूडेंट दैट वुड भी क्लियर टू यू इससे हम कॉन्ट्रेक्ट उनके एसेंशल्स परफॉर्मेंस, ब्रीच, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच, ये तमाम स्टेज से हम गुजर चुके अब हम एक और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन डेमेटी एंड गारंटी। गारंटी का नाम तो आपने अक्सर सुना हो इन हो सकता है इतना आप ना सुना हो अगर सुना भी हो तो टेक्निकली आपको उसका इलम ना हो एनी वे इफ यू नो आर यू डोंट नो वी शैल गो थ्रू इट पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन डेमिटी को लेते ये इंडेमिटी डिफाइन करने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले आप इन डेमिटी की डेफिनेशन देख लीजिए विच इज गिवन इन सेक्शन वन टू फोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव दी अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाई द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिज आर हिम सेल्फ आर बाई द कंडक्ट ऑफ एनी अदर परसन इज कॉल्ड कंडक्ट ऑफ एंड ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव दर पार्टी फ्रॉम लॉस ये प्रोमिस किया जा रहा है ये अंडरटेकिंग दी जा रही है कि अगर आप दूसरी पार्टी को कोई लॉस हो गया वो लॉस कॉज्ड बाई हिम जो प्रोमिजर है जो डेमिटी दे रहा है उसकी वजह से लॉस होता है और बाई द कंडक्ट ऑफ दर्ड पार्टी वो प्रोमिसर की वजह से होता है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से होता है वो ये अंडरटेक कर रहा है कि ये लॉस मैं आपका पूरा करूं। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनेट अभी आपने डेफिनेशन तो देखी लेकिन इसको शायद समझना इतना आसान ना हो से यू हैव पार्कड ए कार एट सम पार्किंग लॉट वहां पर कॉन्ट्रैक्टर है वो टोकन इशू करते हैं। और आपने पार्किंग की यू लॉस द टोक अब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो दे आर नॉट रेडी टू गिव यू द कार वो कहते हैं नहीं जी हमारा एक प्रोसीजर है आपको इंडेमिटी लानी पड़ेगी अब इंडेमिटी पर डिपेंड करता है कि अदर पार्टी किसकी इंडेमनिटी को एक्सेप्ट करती अगर आप किसी थर्ड पार्टी को लाते हैं कि जी ये जा आपके जानने वाले भी हैं वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन वेरी क्रेडिट वर्दी पर्सन आप इनके इंडेमिटी ले लीजिए अब ये देखिए कि इंडेमिटी आप डेफिनेशन भी जहन में रखे वो आपसे वो इंडेमिटी लेते हैं और गाड़ी आपके हवाले कर देते हैं। अब ये इंडेमिटी क्या इंडेमिटी दी गई वो जो थर्ड पर्सन को आप लेकर आए उसने इस बात की अंडरटेकिंग की अगर आप विदाउट टोकन ये गाड़ी जो आप इनको दे रहे हैं इस एक्ट की वजह से अगर आप पर कोई लाइबिलिटी आती है या आपका कोई लॉस होता है तो वो मैं पे करूँगा आप डायरेक्ट इस तरह ले आई शेल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट अब यहां पर क्या बात हो रही इनमिटी में बात ये हो रही कि टोकन तो आपने गुम किया गाड़ी आपकी है इनडेमिटी थर्ड पार्टी दे रही अब उस थर्ड पार्टी की तो कोई स्टेक नहीं है उसमें यू वुड हैव है प्रॉब्लम लेकिन जब वो इंडेमिटी दे रहा है तो आपकी वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं दायर इज ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग द इंडेमिटी जिसको हम इन डेमिफायर कहते हैं अब शायद आपको इस बात की समझ आए लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ द अदर पर्सन अब ये कंडक्ट किसका था ये तो कंडक्ट तो आपका था टोकन आपने गुम किया गाड़ी आपने रिलीज करवानी थी लेकिन द पर्सन हु इज गिविंग द इंडेमिटी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आपसे नहीं पूछा जाएगा कल को कोई और पार्टी टोकन लेकर आ जाती और वो कहते जी गाड़ी आप दीजिए गाड़ी तो आप ले गए बेशक वो गाड़ी आपकी थी वो टोकन के बेसिस पर वो सूट फाइल कर देते सूट कॉन्ट्रैक्टर के हक में जाती है क्या उसने एक राइट पर्सन को गाड़ी दी थी लेकिन इस सूट को कॉन्टेस्ट करने के लिए उसे कोर्ट्स में तो जाना पड़ेगा लीगल एडवाइजर्स की हेल्प तो लेनी पड़ेगी उसे इनकन्वीनियंस तो होगी कन्वींस के चार्जेस तो होंगे तो ये सारे जो कॉस्ट जो है उसके लिए इनडेमिटी ली है कि कल को जो कोई लाइबिलिटी उस पर आए ड्यू टू दिस एक्ट ने वो इनडेमिटी दी है दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल तो आपको कह सकते हैं कि जी ये सूट कॉन्टेस्ट करने पर मेरे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ खर्च हो गए यू पे इट टू मी तो अगर आपने इंडेमिटी दी है तो यू विल बी रेस्पांसिबल टू पे रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू द इंडेमिटी होल्डर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी अब इतनी तफसील से बात हुई अब अगर आप इसको पढ़ें तो मेरा ख्याल है इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी

ड्राफ्ट गुम हो गया आप बैंक के पास जाते हैं कि जी डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू कर दो अब ये डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करने से पहले बैंक कहता है आप इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए वो इंडेमिटी आप दें या किसी और पर्सन से ले दें जो भी इंडेमिटी दे रहा होगा अगर बैंक को बाई इशुस ऑफ दैट डुप्लीकेट ड्राफ्ट इस देयर इज एनी क्लेम ऑन द बैंक दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिफायर टू मेक गुड द लॉस टू दिफाइ अब यहां पर क्या लॉस हो सकता है क्या लाइबिलिटी हो सकती आपने पेमेंट करनी थी थर्ड पार्टी उसको आपने ड्राफ्ट दे दिया उसके बाद आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो आप आगे यहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि जी वो तो गुम हो गया ड्राफ्ट और ये कैंसिल कर दें डुप्लीकेट ड्राफ्ट आपने बनवाया पेमेंट आपने ले ली अब वो जिसके पास ओरिजिनल ड्राफ्ट है दैट वाज़ विद हिम एज द रिजल्ट ऑफ सम ट्रांजेक्शन ही वाज़ योर क्रेडिटर, अब ही विल अप्रोच द बैंक एंड द बैंक विल नॉट बी एबल टू पे हिम दैट पर्सन इवेंचुअली कैन गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ अब कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए अगर फैसला हम तस्वुर कर लें दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द बैंक लेकिन बैंक की जो कॉस्ट होंगी इसको कॉन्टेस्ट करने के लिए वो तो बैंक को पे करनी पड़ेंगी तो इंडेमिफायर विल मीट ऑल दो एक्सपेंसिस अगर कोर्ट का ये फैसला आता है कि बैंक ने इस ड्राफ्ट को लॉफुली डुप्लीकेट ड्राफ्ट जो है इशू नहीं किया तो उस सूरत में बैंक को वो अमाउंट भी पे करना पड़ेगी तो जो भी लॉसेस हो, डैमेजेस हो, कोई लाइबिलिटी हो वो सब इंडेमिफायर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक गुड द लॉस टू अदर पार्ट तो बैंक अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए दैट इफ़ इन फ्यूचर देर इज़ ए क्लेम ऑन द बैंक और बैंक सफर एनी एक्सपेंसि तो जब डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करवाने के लिए आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आस्क फॉर इंडेमिनिटी बॉन्ड तो ये इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडेमिनिटी का तस्वूर है ये शायद डेफिनेशन से आपको क्लियर ना होता लेकिन इन इलस्ट्रेशन से ये बात आपको वाजे हो गई हो अब इसके बाद ये टू आपके सामने है यू जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स वेरी सिंपल। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इन एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस इनडेमिटी में लॉस इज नॉट देर अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है दैट इज नॉटन दैट मे आर मे नॉट हैप अगर कोई लॉस होता है तो उस सूरत में जो भी लॉस है या कोई लाइबिलिटी है या कोई एक्सपेंसेस हैं या कोई कॉस्ट है दैट विल बी बोर्न बाय द इंडेमिफायर इन पे करें इंश्योरेंस में भी यही होता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पे करें नहीं होता है तो ठीक है यू आर इंश्योर्ड एंड यू आर सेफ़ एंड यू आर सिक्योर्ड यू हैव मेंटल पीस दैट दिस इज़ इंश्योर्ड अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बाकी इवेंट्स जो हैं दोज़ आर अनसर्टन इवेंट्स दैट मे आर मे नॉट हैपन बट देथ इज़ सर्ट तो ये एक सर्टेन इवेंट इवेंट है तो इसलिए इसको, इसको आप नहीं कह सकते कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है दैट इज़ सर्टेन इवेंट

उसको उसकोनीफाइड भी कहते अब में कौन से राइट्स एक्रू कर जाते लाइबिलिटी आ जाती तो इंडेमिटी होल्डर के क्या राइट इंडेमिटी होल्डर आपने देखा वो शख्स है जिसके हक में आपने इंडेमिटी दी है जैसे आपने बैंक की एग्जाम्पल ली तो बैंक वाज़ द इन होल्डर आपका टोकन गुम हो गया था तो कॉन्ट्रैक्टर वाज़ द इन होल्डर तो व्हाट डेमिटी होल्डर कैन डू इन केस ऑफ ए कैन रिकवर ऑल डैमेज इन कर रिजल्ट में जितने भी डैमेज उसे पे करने पड़े वो ही कैन रिकवर फ्रॉम होम फ्रॉम इन डेमिफायर जिसने इन डेमिटी दी कैन रिकवर कॉस्ट इन कर्ड कोई कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन और एनी अदर कॉस्ट कास्ट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्राम द इंडेमिफायर कैन रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज इफ एनी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसमें लेकिन कॉम्प्रोमाइज के रिजल्ट में उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ती है कोई एक्सपेंसि होते हैं लिटिगेशन चल रही फाइव हंड्रेड थाउजेंड पे करने कॉम्प्रोमाइज़ ये होता हो जाता है कि जी आप फोर हंड्रेड थाउजेंड जो है हमें पे करते आप ये फोर हंड्रेड थाउजेंड पे कंप्रोमाइज हो गया अगर आप रेसिपिएंट हैं तो आपको हंड्रेड थाउजेंड का लॉस दूसरी पार्टी को इस कॉम्प्रोमाइज़ के रिजल्ट में कोई डिफरेंट असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, कोई लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी वो उसकी कॉस्ट होंगी तो कॉस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ के रिजल्ट में इन ईदर वे इफ़ यू हैव पेड सम अमाउंट तो उस सूरत में यू हैव एवरी राइट टू रिफर टू दिनिफायर फॉर दैट एक पार्टी कहती है लिटिगेशन जो है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आप इतना पे कर अब बैंक को अमाउंट पे करनी पड़ जाती दैट इज द एंटायर लॉस टू द बैंक बैंक इनडेमिफायर से वो लॉस पूरा कर सकते तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी में दीज आर सम ऑफ द ऑफ द इंडेमिटी होल्डर जिसकी फेवर में इनडेमिटी दी गई अब इंडेमिफायर का क्या रेस

इंडेम्निटीफायर इन डेमिटी होल्डर ने अगर किसी तरह से अपने उन रिस्क को कवर किया हुआ से उस लोगों ने कोई इंश्योरेंस ली हुई वो जो लॉस हुआ है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को फाइल कर दिया और वहां से लॉस पूरा कर लिया और इन डेमिटी होल्डर इन डेमिफायर को भी कहा जाता है ये लॉस हो गया सारा पूरा करफायर so एट द फर्स्ट प्लेस यू कैन नॉट रिफ्यूज टू कंप्लाई विथ दैट वो लॉस पूरा करना पड़ेगा लेकिन लॉस पूरा करने के बाद इंडेमिटिफायर ने अगर किसी और सोर्सेज से अपने आप को सिक्योर किया हुआ एंड ही वेर दैट बेनिफिट तो वो बेनिफिट जो है वो देना पड़ेगा इंडेमिफायर को यू कैन नॉट हैव दैट बेनिफिट फ्राम टू सोर्सेज वो तमाम लॉस इंश्योरेंस कंपनी से भी पूरा कर लिया है और इनडेमिफायर से तो आप जिस एक्सटेंट तक हैं से लॉस वाज ऑफ फाइव हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ यू आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस अप अपंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ तो हंड्रेड थाउजेंड जो आपने इंश्योरेंस से तो आप कवर हैं तो वो बेनिफिट दैट विल गो और दैट विल बी ट्रांसफर टू इनफाइड तो ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है इन ऑल ट्रांजेक्शन दैट विल इक्वली अप्लाई इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ तो ये बात क्लियर होगी आपको इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है आई है वेरी सिंपल टर्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इन डेमिफायर लाइबिलिटी आपने इन दी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी किस पॉइंट से स्टार्ट होती वेन इन डेमिटी होल्डर्स इनकर्स एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दो नॉट एक्चुअल लॉस ये पॉइंट वो है जब इंडेमनिटी होल्डर जिसके फेवर में आपने इंडेमनिटी दी है इंडेमिफाइड जिसको हमने कहा जब वो कोई लाइबिलिटी इनकर करता है जैसे हम कह रहे थे लीगल ऑब्लिगेशन, अगर उसे छोड़ कर नोटिस सर्व हो जाता है तो अब ये उसकी लाइबिलिटी है टू कॉन्टेस्ट दैट सूट तो जिस पॉइंट पर कोई लाइबिलिटी इनकर होती है उस पॉइंट से इंडेमिफायर जो है उसकी लाइबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती दैट्स द पॉइंट एक्चुअल लॉस ना हुआ कोई लाइबिलिटी जब इनकर होती है किसी पार्टी पर दैट इज द पॉइंट वेन द ड्यूटी ऑफ द इंडेमिफायर स्टार्ट ही बिकम्स लाइबल टू द इंडिटी होल्ड तो स्टूडेंट्स इंडेमिटी शायद वर्ल्ड नया हो लेकिन ये जो सिनेरियो जिसमें हम देख रहे हैं दैट इज एवरी डे सिनेरियो और इसे समझने में कोई आपको मुश्किल नहीं हो दिस इज कॉमन टाइप ऑफ गारंटी विच इज़ नेम्ड एज इन डेमनेटी एंड यू आर फेमिलियर टू दिस ट्रांजेक्शन दो यू मी नॉट बी नोइंग दैट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनेट अब हमने बात जहाँ से शुरू की हमने कहा देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गारंटी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और बहुत दफ़ा आपने गारंटी दी भी होगी क्योंकि हमारे सोसाइटी में बड़ा कॉमन है कोई बात करनी हो हाँ जी ये मेरी गारंटी है मैं इसकी गारंटी देता तो वो यार वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सो मैनी गारंटेड तो लेकिन गारंटी को आप टेक्निकली लीगली जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गारंटी होती क्या तो so, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले आप ये देख लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वट डाज इट मीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द कॉन्ट्रैक्ट

आपने आपनेमटी में देखा था कि एंडेमिनेटी में इंडेमिफायर जब अंडरटेकिंग दे रहा है तो वो कहते हैं कि आई शेल बी रिस्पॉन्सिबी उसमें थर्ड पार्टी का कोई जिक्र नहीं था यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर थर्ड पार्टी जिसके बिहाफ पर ये गारंटी दी जा रही है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस then I I shall come into picture and I take the the responsibility to fulfill the promise which has been made by that very person। वो देखते हैं हम उसको क्या नाम देते हैं गारंटी द परसन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी जिसको हम गारंटर कहते हैं वो श्योरिटी भी है गारंटर एंड श्योरिटी मीन द सेम पर्सन person इन रिस्पेक्ट person

सो देर आर थ्री पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वन इज द प्रिंसिपल डेट इज अदर इज द क्रेडिट इज एंड देर इज ए श्योरिटी और गारंट अब ये गारंटी दैट मे बी ओरल और रिटर्न लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको मैं बताता चलूँगा अब लॉ में प्रेस्क्राइब है कि ओरल गारंटी इज ऑल्सो गारंटी लॉ रिकगनाइज इज दैट लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन में ओरल गारंटीज एक्सेप्ट नहीं की जाती ना दी जाती एग्रीमेंट्स विच आर एडवाइजेबल इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है स्टूडेंट्स दैट इज गिवन इन सेक्शन 126 ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब ये जो गारंटी है इसका मकसद क्या है इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है ये गारंटी किस लिए ज़रूरत पड़ती ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स में गारंटी का इस्तेमाल होता है और बहुत से काम ये गारंटी का काम सिर्फ लोन से नहीं इसलिए मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं ताकि आपको गारंटी का स्कोप पता चल सके एनेबलिंग ए पर्सन टू अवेल अ लोन किसी ने लोन लेना है तो उसमें गारंटी का एक इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज अ पार्टी हैज अप्रोच्ड ए बैंक फॉर ए लोन और एनी क्रेडिटर कि ये मुझे लोन चाहिए है जी लोन तो आपको दे देंगे लेकिन हमें अपने किसी रेस्पेक्टेबल क्रेडिट वर्दी कस्टमर की गारंटी चाहिए इफ़ यू ब्रिंग द गारंटी ऑफ ए पर्सन हुज एवरेज बैलेंस इज टू दिस दिस एक्सटेंड वी शैल एक्सेप्ट दैट गारंटी कोई भी वजह हो सकती है ये मैं इसलिए बता नहीं कि ये नहीं गारंटी कोई शख्स चला जाए जी मैं गारंटी देता हूँ दैट विल बी एक्सेप्टेड वो गारंटर में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो क्रेडिटर चाहता है कि उसमें मौजूद तो ये लोन की रिक्वेस्ट की उसे कहा जा रहा है कि जी लोन आपको देंगे आप हमें गारंटी दे अब ये गारंटी थर्ड पार्टी के पास गए हो दैट एगरीड एंड दैट फर्निश द गारंटी तो इस गारंटी से हुआ क्या एज द रिज़ल्ट ऑफ दिस गारंटी व्हाट हैपन्स किस बात की गारंटी गारंटी ये है कि लोन लेने वाले आप हैं देने वाला आपका बैंक है तो यहाँ पर गारंटर क्या कह रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल डेटर, ये लोन देने वाला अगर लोन आपका ना दे सके अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना कर सके तो वो कमिटमेंट्स मैं पूरी करूँ तो दैट इज़

मिस्टर असलम अवेल्ड द लोन ऑफ रुपीस वन मिलियन फ्रॉम एक्स वाई जी बैंक सेड बैंक आज दोन ई मिस्टर असलम टू फर्निश ए गारंटी फ्रॉम ए क्रेडिट वर पार्टी, मिस्टर असलम रिक्वेस्टेड मिस्टर अकरम टू फर्निश द गारंटी फॉर सेड लोन इन फेवर ऑफ़ एक्स वाई जी बैंक अब यहाँ तक तो आपको ये जाहिर हो रहा है इसलिस्ट्रेशन से कि उसने ये गारंटी प्रोवाइड कर लेकिन गारंटी का रिजल्ट क्या होगा अगर लोन ही जो है डिफॉल्ट कर जाएगा तो ये गारंटर उसका रिस्पॉन्सिबल हो उसके अलावा वट कैन बी दी अदर पर्पस टू मेक क्रेडिट परचेज द लोन कैन ऑल्सो बी और द गारंटी कैन ऑल्सो बी फॉर पर्पस ऑफ क्रेडिट परचेज अभी लोन की बात हो रही थी क्रेडिट परचेजेस आप कर रहे हैं तो सूरत में क्रेडिट परचेजेज जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है द गुड्स ऑन क्रेडिट तो वो आपसे ये कहेंगे जी हम आपको सप्लाईज तो करते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमें गारंटी देना पड़ेगी फ्राम द थर्ड पार्ट तो वहाँ से अगर कोई गारंटी मिल जाएगी तो दे सप्लाई यू तो गारंटर का श्योरिटी शौर्ट, का क्या काम होगा इफ़ यू फेल टू मेक देमेंट्स एज पर स्टिपोलेशन आखिरकार क्रेडिट परचेज में एक कैजुल तो होगा कि पेमेंट्स हमने इस तरह करनी है आपको तो उसके मुताबिक अगर आप पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं एज पर स्केजल तो दैट कंपनी कैन रिवर्ट टू दटर ये आप एक देख लीजिए एक एग्जाम्पल एक ब्रदर्स मेक क्रेडिट सप्लाइज टू हिल्टन एंटरप्राइजेस अंडर द एग्रीमेंट हिल्टन एंटरप्राइज फर्निश सोहेल शेल बी लाइबल टू मेक पेमेंट टू एम एस एक यू ब्रदर्स केस ऑफ डिफॉल्ट बाई द हिल्टन एंटरप्राइज वही बात जो मैंने आपको बताई तो गारंटर का रोल क्या है सो so, स्टूडेंट्स ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने गारंटी के आपको बताए कि दीज आर सम ऑफ द ऑबजेक्ट्स ऑफ द गारंटी इसके अलावा फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट यू कैन ऑल्सो फर्निश द गारंटी तो यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं इन शह वो शेल कॉन्टिन्यू विद इन अवर नेक्स्ट सेशन टिल दैन इट इज़ अल्लाह